भाई ये अलग वैरायटी का मंदिर है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, छेद करके होगी अबे बहुत मत छीन दियो नहीं तो पछताना पड़ेगा तेरे को। उत्तराखंड देवभूमि, देवों की भूमि, और जो है अपनी हरिद्वार। एंड हरिद्वार में क्या है, लूटा जाए तो। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। एंड गाइज आज के लोग मैं बहुत ज़्यादा मजा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है हमारी दोबारा आ रखे। एंड अभी है ना हम जाएंगे सीधा मनसा देवी के मंदिर में जाएंगे यार, ठीक है। वो है ना पहाड़ पे पड़ता है गाइज, तो अभी रास्ता आप देख लेना कि कैसा है। बाकी अभी निकलते हैं जल्दी से, पापा मम्मी और भाई वेट कर रहे हैं बाहर। सो लेट्स गो गाइज। बाकी गाइज आगे चल रहे हैं मेरे पापा मम्मी और भाई। एंड बाकी है ना मैं पीछे पूरा बाजार देखता हूँ, चल रहा हूँ। वैसे ना बाजार खुल चुका है, देखा रात को बंद हो गया था भीड़ कम होने की वजह से, पर अब जैसी सुबह भीड़ हुई तो बाजार पूरा खुला है, क्योंकि सुबह तो वैसे भी खुलना ही था, लोगों को भीड़ होती है नहीं। वैसे वो बंदा क्या देख रहा था मुझे घूर घूर के, चलो छोड़ो कोई नहीं। अभी ना रास्ता पूछ लिया हमने एंड आगे से ही है, बाकी तो देखते हैं। मैंने सुना है रोप वे भी है, तो देखते हैं रोप वे से जाएंगे या नहीं। वैसे अगर रोप वे हुआ तो जा भी सकते हैं। ये देखो ये गेट आ गया, यहीं से जाना है हमें अंदर। भाई यार अभी है ना मेरे पीछे आप भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, एंड हम इसलिए नहीं जा रहे यहाँ से क्योंकि आप भीड़ देख रहे हो, इसलिए नहीं आ रहे। एंड एक और कारण है जो कि है ना मैं ऊपर जाके बताऊंगा आपको, फिलहाल तो आप मेरे पीछे भीड़ देखो। बाकी जो भी टिकट काउंटर से ना हर जगह भीड़ ही भीड़ है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ दो घंटे से पहले नंबर ही नहीं आएगा, सो हमने इसलिए यहाँ से जाना कैंसिल किया। बाकी अभी चलते हैं जल्दी से ऊपर, चलो ऊपर। थैंक यू, चलो पानी का बोतल। तो गाइस सामने आप स्कूटियाँ देखो, एंड सामने वहाँ भी स्कूटियाँ हैं, एंड वहाँ कुछ झगड़ा भी चल रहा है, वो बाद में देखेंगे। बट अगर यहाँ देखोगे ना तो यहाँ रोप वे है, स्कूटी के लेंगे 100 रुपये स्कूट। अगर रोप वे से अच्छा ना स्कूटी पे जाओ, एंड ऊपर से जो पैदल जाने में मजा आता है ना वो तो फिर रोप वे स्कूटी में कहीं नहीं आता। अगर पैदल जाते हो तो और भी बढ़िया है, पैदल जाओ, मतलब यही है भाई, ठीक है ना। वैसे भीड़ बहुत रहती है तो स्कूटी अगर तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगी। हाँ अगर रोप वे जाओगे तो यार बहुत भीड़ हो जाएगी, 2 घंटे तुम्हारा वेटिंग ही लग जाएगा, है ना पापा। हाँ 2 घंटे वेटिंग, इससे तो बहुत जल्दी चल जाती है यार। हाँ स्कूटी में ठीक है, 100 रुपये 100 रुपये दो और अपना जल्दी। अगर आप बुजुर्ग हो, अगर नहीं हो तो यार जवान हो तो फिर तो चल ही लोगे, क्या दिक्कत है। हम चल सकते हैं फिर, आप नहीं चल सकते, कैसी बात कर दी यार हमसे। तो अभी सीधा चलते हैं ऊपर, एंड ऊपर चलते हैं। अरे वहाँ कहाँ जा रहे, ऊपर चलना है ना, ऊपर चलो। कहाँ उल्टा जा रहे हैं, स्कूटी का देख कर रहे थे। हाँ स्कूटी का देखा है, चलो अभी छोड़ गई ऊपर चलते, झगड़ा भी कर रहे हो। जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला। सो गाइस हम हैं हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड देवभूमि, देवों की भूमि, और जो है अपनी हरिद्वार। एंड हरिद्वार में क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको। हरिद्वार का मतलब है गाइज हरी का द्वार, हरी का द्वार मतलब हरी भगवान है ये, पूरी पता है भोलेनाथ की नगरी है। एंड हरी का द्वार मतलब ये भगवान का घर है जहाँ पे भगवान रहते हैं। तभी यहाँ पे गंगा मैया भी है, अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो गंगा मैया है। एंड उस साइड पूरा अपना हरिद्वार है, ठीक है, उस साइड पूरा अपना हरिद्वार है, एंड वो अपनी मेन रोड है। एंड अगर उस साइड ही देखोगे ना तो गंगा नदी एक और है, ठीक है। सो गाइस मिल गए हैं पागल लोग भाई, हम पता है बड़ी मुश्किल से आए भाई, थकते थकते सीन लेते लेते भाई। मैं बुलेट ट्रेन की तरह है, बुलेट ट्रेन की तरह। तो गाइस सामने देखो मनसा देवी मंदिर हमें स्टार्ट हो गया, ये शायद उसी की दीवार है ना। हाँ तो गाइस ये दीवार देखोगे ना तो मनसा देवी मंदिर की दीवार है, बाकी अंदर जाके आगे जाके पता चलेगा कि कैसा है अपना मंदिर। मतलब मंदिर तो मंदिर ही होगा, बट कैसा माहौल है ऊपर से एंड कैसा क्या है पूजा करेंगे, चलो देखते हैं। सो गाइस गेट आ गया साइड से मंदिर का भी, बट आगे देखते हैं, बाजार टाइप ही है, मतलब बाजार टाइप है, मतलब कि बोले ना तो प्रसाद वगैरह मिल रहा है, और जो ज़्यादा जरूरी है एक्सेसरीज है ना वो सब दिख रही है, मतलब जो लड़की के लेडीज़ के लिए चाहिए होती है। बाकी भीड़ तो गाइस ठीक ठाक ही है। सो गाइस अभी माता जी के दर्शन करेंगे अंदर जाके, अभी लाइन में लग गए हम, तो अभी जाएंगे अंदर और माता जी के दर्शन करेंगे, और जो भी मनोकामना होगी आप सबकी भी पूरी होगी। अगर आप कुछ भी मांगते हो माता से तो मेरे साथ मिलके मांगना, ठीक है।
हाँ अपनी आप मांगना और बताना मत किसी को, मैं भी अपनी बताऊंगा नहीं किसी को। अगर गाइस आवाज कम आ रही होगी ना सोच समझ जाना यार, मेरा थोड़ा माइक का दिक्कत हो गया एंड भीड़ की वजह से आवाज अच्छे से नहीं आ पाएगी। जब कहीं सावन के महीने में आओगे ना तो ये जो भी लाइनें दिख रही है ना आपको सारी फुल रहती हैं, और तब भी नंबर नहीं आएगा। तब इस लाइन में आओगे ना तब जाके नंबर आता है, वहाँ से पूरा घुमा घूम के ऐसे ऐसे करके तब आते हैं। तो गाइस यार हुआ क्या ना कि अंदर फोटो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो उन्होंने कैमरा हमारा बंद करा दिया, तो उसका ना मैं सीन ले नहीं पाया, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा यार। मैं क्या करता, अंदर अलाउड ही नहीं था तो कैसे लेता। सो गाइस ये रोप वे देखो यार, मतलब मस्त लग रही है, एंड पीछे तो इसका व्यू है ना वो और भी मस्त लग रहा है। बट हाँ मैं आपको यही बताऊँगा, देखो लोग आ तो रहे हैं, इसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, बट है ना एक दिक्कत होगी कि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी तो सावन नहीं, अगर सावन होता ना भाई तो तुम रोड पे नहीं आ पाते यार, ये तो दूर है रोप वे में तो तुम दूर हो। बाकी रोप वे देखो कितना तेज चल रहा है, वैसे तो अगर सहजदारा में कंपेयर करें तो तेज चल रही है ना, सहजदारा से तेज चल रही है ना। हाँ दूरी ज़्यादा सस्ते, मैंने सही करा, मम्मी तो फोन खोस का नहीं था, फोन खोस का बात चल रही क्या ये बंदर, वही भाई मेरा फोन छीनने आ रहा था बंदर, तो पता नहीं फोन हुआ क्या करेंगे है ना। बंदर लोग एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, फोन छीन छीन। तेरी गर्लफ्रेंड है ना बंदर, तू भी करता होगा। अरे वो फोन लूटा जाए तो ले गया ले गया ले गया बंदर भी भयंकर है भाई, सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ ले गए क्या यार मम्मी, अच्छे से पकड़ना था ना। संतरा देखो छिलके खा रहा पूरा, सूर्या से तो समझदारी है। चलो तो अभी है ना गाइस मंदिर से बाहर तो आ गए थे हम, तो अभी जा रहे हैं सीधा हम सब नीचे एंड देखते हैं फिर कहाँ जाना है। वैसे हमें है ना यार घुसने ही नहीं दिया यार वहाँ पे, ये दोनों मुझे क्या पैसे अलग अलग लड़ाई करते हैं, पाँच 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 तुम दोनों कर लोगे, पाँच पाँच है भाई। ये अलग वैरायटी का मंदिर है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, छेद करके होगी अभी बहुत मत छीन दियो, नहीं तो पछताना पड़ेगा तेरे को। शिवम सिंह नाम है मेरा भी। ये वानर तो गाइस कुछ ना तो कुछ खा ही रहे हैं पता नहीं। अरे शिवम भाई ले गया, दूसरा भी ले गया, दूसरी थैली भी गई। गाइस यार अभी नीचे जा रहे हैं जल्दी जल्दी से हम सब, और ये देखो फोन चार्ज लगा रखा है पावर बैंक से, क्योंकि फोन की बैटरी बहुत डाउन है एंड कल वाला ब्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ है, नेटवर्क कम होने की वजह से यहाँ पे, सो वो भी अपलोडिंग पे लगा हुआ है। अभी जल्दी से नीचे पहुँच गए जहाँ पे रोप वे था। सो गाइस अभी ना हमारे लगेज वगैरह तैयार है देखो, एंड अभी हम यहाँ से हरिद्वार से निकल रहे हैं एंड उसका कारण है बारिश, खराब मौसम, इसलिए गाइस हम राजा क्या नाम था, राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क में नहीं जा पा रहे हैं बारिश की मौसम की वजह से, वो बंद है। तो हमने डिसाइड किया हम कल परसों में वापस आके मैं और पापा तब हम वहाँ वापस करनी माता जाएंगे, पहले तो पहले करनी माता आगे, हाँ पहले ना राजस्थान जाएंगे फिर यहाँ वापस आएंगे, सो तभी वहाँ घूम पाएंगे नेशनल पार्क में, राजा जी नेशनल पार्क में तभी घूम पाएंगे। अभी है ना गाइस भीड़ देखो यार, दिन में ज़्यादा भीड़ होती है रात के मुकाबले, बट एक सीन भी था ना रात को बारिश हो गई थी तब इसलिए भीड़ नहीं थी, नहीं तो रात को भी ना थोड़ी बहुत तो होती है, बट कल रात को तो बिल्कुल नहीं थी। अभी देखो भीड़ कितनी है, अभी हम पुल पे हैं और भीड़ देखो यार फिलहाल
बहुत भयंकर वाली है, मतलब सावन के हिसाब से तो भयंकर ही है, सावन के हिसाब से नहीं, मतलब सावन ना होने के बाद भी ठीक है। तो गाइस हुआ क्या था ना कि कल शाम को हम आए और सीधा हमने देखा कि गंगा आरती स्टार्ट हो रही है, तो सीधा हमें ना गंगा आरती में मिल गए थे। तो कल दिन का हम दिखा नहीं पाए आपको क्योंकि हम लेट पहुंच गए, बट आज आपको दिन का व्यू दिखा रहा हूँ हरिद्वार का है, हर की पैड़ी का, ठीक है। अभी दिन का सीन है ये पूरा देखो। एंड मैंने बोला था ना पानी साफ हो जाएगा, देखा पानी साफ हो गया ना, मैंने बोला था कल आपको कि रात में बारिश आई है इसलिए पानी थोड़ा मिट्टी का हो गया था, बट अभी देखना साफ हो गया। अभी दिखाया मैंने जैसे कि कैसे साफ हो गया, वैसे यार इंसानों की बुराइयाँ अभी साफ हो जाती हैं गंगा में स्नान लेने से, क्या पता मेरी भी हो गई हो अभी बुराइयाँ साफ, बट अभी पापा मम्मी और भाई आए। एंड सो गाइस अभी है ना ये देखो व्यू देखो एंड पानी देखो कितना साफ हो गया है, बट पता है यहाँ ना सीढ़ियों में पानी आ रहा था, अगर आपने देखा होगा ना तो सुबह पानी है ना यहाँ तक था जब हमने स्नान लिया था यहाँ पर पानी में, बट अभी देखो अभी पानी जो है ना पूरा कम हो चुका है। चलो ठीक है। और भाई ये छोटी है ना कलाकार है, देखो सूर्या के क्या बना दिया एंड मम्मी के देखो पापा को एंड अभी पापा भी बनवा रहे छोटा, देखो ये छोटी टीका लगा रही है। अभी देखो गाइस, गाइस कमेंट जरूर करना कैसा लग रहा, बड़े से बढ़िया बना है मैंने देख लिया एंड बाकी थैंक यू छोटी। ना गाइस ये देखो यार वापिस है ना पानी बढ़ने लग गया, मतलब यहाँ पहले कम हो गया था वापिस बढ़ने लग गया, मेरे को समझ नहीं आ रही चल क्या रहे हैं भैया। चलो जो भी है गंगा भैया की लीला है, लीला है। अभी है ना पापा और भाई है ना पानी भरने गए हैं क्योंकि हमारे घर में ना गंगा मैया का पानी रखते ही रखते हैं, पता नहीं क्यों, पर मम्मी क्यों रखते हैं, गंगा मैया का जल होता है पूजा वगैरह में काम आता है, घर में पूजा होती है ना उसमें हम गंगा जल हर चीज में हवन हो पूजा उसमें उपयोग करते हैं। अच्छा चलो सही है, बाकी ना गाइस व्यू बढ़िया हो रहा है यहाँ से दिन का आज देखो आप भी। गाइस पापा और भाई को देखो आगे पानी ले रहे हैं गंगा मैया का, गंगा जल बोलते हैं जिसे क्योंकि यार घर में रखना अच्छा माना जाता है, तो ले रहे हैं। एंड अभी कुछ नहीं है गाइस, अभी ना हम लोग यहाँ से सीधा घर ही निकल रहे हैं। गाइस यार अभी ओंदी पे हैं मैं और मेरे पापा हैं साथ में एंड देखते हैं देहरादून कितनी देर में पहुँचेंगे अभी। तो गाइस अभी है ना घर पे आ चुके हैं एंड रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि दो दिन का सफ़र था, मतलब दो दिन वहीं थे तो अच्छे से नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। एंड फिलहाल है ना पापा में भी रेस्ट कर रहे हैं, सब रेस्ट कर रहे हैं। एंड आज के लोग में इतना ही था बस। एंड जो राजा जी पार्क जो था ना नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, उसमें ना गाइस आपको कभी और घुमाएंगे, फिलहाल कल शायद हम ऋषिकेश जाएंगे या फिर मसूरी जाएंगे। सो हमारे साथ ही बने रहिएगा एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।